दोस्तों ये ऑसिलेशन का नेक्स्ट वीडियो है। ओके हम दोस्तों यहाँ पे एसएचएम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन दोस्तों ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये है दोस्तों, प्लस और माइनस ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला है, वो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वेलोसिटी ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए एक और फॉर्मूला यहाँ पे दोस्तों हम डिराइव करेंगे। तो जैसे कि वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, dx बाई dt मतलब वेलोसिटी होती है। तो x के लिए अगर आपके पास इक्वेशन है, तो उसकी अगर आप डेरिवेटिव लेते हो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, मतलब हम dx बाई dt फाइंड आउट करते हैं। तो dx बाय dt निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, इसकी आपको लेनी होगी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो इस इक्वेशन की डेरिवेटिव a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, इसकी डेरिवेटिव लेनी है हमें विथ रिस्पेक्ट टू t, तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा। ओके दोस्तों, a तो कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर लिखते हैं, ये हम वेलोसिटी का इक्वेशन लिख रहे हैं। देयरफॉर व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, a हम यहाँ पे बाहर लिखेंगे, और ये साइन ओमेगा t प्लस फाइव की डेरिवेटिव लेनी है आपको, d बाय dt ऑफ व्हाट, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। तो दोस्तों डेरिवेटिव्स में आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, अगर साइन एक्स है और इसकी अगर आपको डेरिवेटिव लेनी है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होती है दोस्तों, ये होती है कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन दोस्तों डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स क्या होती है, ये होती है दोस्तों कॉस टू एक्स इंटू, आपको इसकी भी डेरिवेटिव लेनी होती है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, टू एक्स की डेरिवेटिव हो जाएगी टू, ठीक है। तो साइन टू एक्स की डेरिवेटिव होती है दोस्तों टू इंटू कॉस टू एक्स, ओके। वैसे ही दोस्तों साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखिए, ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की डेरिवेटिव हो जाएगी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू, इसकी डेरिवेटिव लेनी होगी आपको, ठीक है। इसकी डेरिवेटिव क्या होती है दोस्तों, देखिए, ओमेगा टी की डेरिवेटिव क्या, ओमेगा, और फाइव की डेरिवेटिव जीरो, तो यहाँ पे प्लस जीरो हो जाएगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोस्तों वेलोसिटी का इक्वेशन मिल चुका है, वो इक्वेशन क्या है, देखिए, वी इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके, ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, ठीक है। तो वेलोसिटी का एक इक्वेशन आप ये यूज़ कर सकते हो, या फिर दोस्तों ये इक्वेशन से भी वेलोसिटी निकल सकती है। दोस्तों वेलोसिटी के लिए इक्वेशन मिल चुका है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर ये फी का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगर ये इक्वेशन का आप डेरिवेटिव लेते हो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वॉट, डी वी बाय डी टी होता है। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इसका आप डेरिवेटिव लीजिए, ओके, ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या इक्वेशन होगा दोस्तों, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओमेगा, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर लिखेंगे, इंटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। कॉस एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है दोस्तों, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ओके। वैसे ही दोस्तों देखिए, डेरिवेटिव ऑफ कॉस टू एक्स क्या हो जाएगी, इट इज माइनस ऑफ साइन टू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, टू, ठीक है। ये टू एक्स की भी तो डेरिवेटिव लेनी होगी आपको यहाँ पे। वैसे ही दोस्तों कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव की डेरिवेटिव क्या होगी, ये ए ओमेगा यहाँ पे लिखते हैं हम, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू इसकी डेरिवेटिव, ओमेगा टी प्लस फाइव की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी दोस्तों, ओमेगा, ओके। सो वॉट, माइनस साइन हम यहाँ पे लिखते हैं, माइनस ए ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओके, इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके। ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमें याद रखना है, ताकि हम ग्राफ्स पढ़ सकें। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ग्राफ को पढ़ेंगे, ओके। तो कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये इक्वेशन से निकलेगा दोस्तों, उसकी वेलोसिटी ये इक्वेशन से निकलेगी, और एक्सेलरेशन का इक्वेशन ये होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों रेफरेंस सर्कल मेथड की। ये रेफरेंस सर्कल मेथड क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर करेंगे, ताकि हम एसएचएम को और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कंसीडर किया है एक रॉड जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। और इस रॉड के एंड में हमने अटैच किया एक छोटा सा स्पीयर, ठीक है। तो रॉड के साथ साथ वो स्पीयर भी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे और यहाँ पे हमने दो लाइट सोर्स रखे हैं, यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखा है हमने, यहाँ पे एक लाइट सोर्स रखा है, इसके रेज आ रहे हैं यहाँ से, ताकि हमें ये जो प्लेन है वाई एक्सिस का, इस प्लेन पर इस रॉड की जो है, इस प्लेन पर देखिए, इस रॉड की जो है शैडो मिल सके, प्रोजेक्शन मिल सके, शैडो को ही प्रोजेक्शन बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब दोस्तों देखिए ये
जब ये रॉड यहाँ पे है तो यहाँ से जो लाइट सोर्स आ रहा है इसके वजह से इसकी जो शैडो है आपको ये वाई एक्सिस पर कैसे मिलेगी, देखिए ये रॉड की शैडो आपको इतनी दिखेगी, ये रॉड की शैडो दिखेगी और ये स्पीयर की शैडो आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है, एंड की, रॉड का जो एंड है उसकी शैडो आपको यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। अब ये जब रॉड दोस्तों घूम करके यहाँ पर आएगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर आया ये, देखिए यहाँ पर अगर ये रॉड घूम करके आ रहा है तो इधर का जो लाइट सोर्स है इसके वजह से इसकी जो शैडो है आपको कुछ ऐसे दिखेगी, यहाँ पर दिखेगी, ये उसका प्रोजेक्शन है या फिर आप बोल सकते हो कि शैडो है, और ये स्पीयर की आपको यहाँ पर शैडो मिलेगी, ठीक है। तो जब ये रॉड दोस्तों कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो ये जो स्पीयर है इसका जो प्रोजेक्शन है, इसकी जो शैडो है, ये शैडो दोस्तों इस वाई एक्सिस के अबाउट रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगी, ओके। जब दोस्तों ये रॉड देखिए यहाँ पर होगा, ये रॉड यहाँ पर है, तब ये जो स्पीयर है इसकी शैडो आपको यहाँ पर दिखेगी, ठीक है, ओके। तो ये जो शैडो है टिप की, ये जो रॉड है इसके रॉड के टिप की जो शैडो है, ये शैडो कंटिन्यूअसली रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही होगी, ओके। और ये SHM जैसी दिख रही है, कैसे, मैं इसको यहाँ पे देखिए मास के साथ कंपेयर करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक मास दिखाया हुआ है जो एक स्प्रिंग के साथ यहाँ पे देखिए सरफेस पे कनेक्ट है, ओके। तो जब इस मास को आप छोड़ोगे दोस्तों, यहाँ पे ले जा करके छोड़ दोगे, तो ये मास क्या करेगा दोस्तों, ये SHM करेगा, और यहाँ पे दोस्तों ये जो शैडो है, इस टिप की जो शैडो है, ये शैडो भी सेम वैसे ही मोशन कर रही है जैसे कि ये मास कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो रॉड है, इस रॉड के टिप की जो शैडो है, ये दोस्तों SHM कर रही है, इसको हमें प्रूव करना है यहाँ पे, ताकि हम दोस्तों SHM को अच्छे से समझ सकें। तो अगर किसी तरीके से दोस्तों इस डॉट की जो मोशन है उसका इक्वेशन आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा पाओ तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये डॉट जो है वो SHM कर रहा है, ओके। तो उसको अब हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो दोस्तों उसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि एक रॉड इनिशियली मान लेते हैं ये यहाँ पर है, ओके, ये एक रॉड है जो इनिशियली यहाँ पर है, ओके, और यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, और यहाँ पे दोस्तों एक लाइट सोर्स है जो हमें इस वाई एक्सिस के प्लेन में इसकी शैडो दे रहा है, ठीक है। तो इस पोजीशन पे दोस्तों इसकी शैडो हमें मिल रही है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इसकी शैडो मिल रही है, इस टिप की शैडो। तो हमें क्या प्रूव करना है दोस्तों, हमें प्रूव करना है कि ये जो टिप की शैडो है, ये टिप का जो प्रोजेक्शन है, ये SHM कर रहा है, हमें ऐसे प्रूव करना है, ओके। तो उसके लिए हमने इनिशियली इस रॉड की ये पोजीशन ली है जहाँ पे यहाँ से इसका एंगल हम एज्यूम करते हैं फाई, ये इनिशियल एंगल है इसका जब टाइम ज़ीरो है, एट टाइम ज़ीरो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ओके। और ये रॉड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये हम रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, ओके। दोस्तों इनिशियली ये रॉड यहाँ पर है, टी टाइम के बाद मान लेते हैं कि ये रॉड यहाँ पर चला जाता है, ओके, टी टाइम के बाद ये रॉड मान लेते हैं हम यहाँ पर चला जाता है, ओके। सो एट टाइम टी ये रॉड यहाँ पर है, ओके, तो जीरो टाइम से लेकर टी टाइम तक इस रॉड ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया दोस्तों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ओमेगा इंटू टाइम, ठीक है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, टी टाइम में इसने इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, ओके। तो यहाँ से दोस्तों ये एंगल को हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा है, तो थीटा क्या होगा दोस्तों, देखिए फाई प्लस ओमेगा टी, या फिर ओमेगा टी प्लस फाई बोल सकते हो आप, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी प्लस फाई, ओके। तो जब ये रॉड यहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ का जो लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स के वजह से इसकी जो शैडो मिल रही है वो हमें कुछ इस पॉइंट पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, ओके। और मीन पोजीशन से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगा, इसको हम वाई बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है, ये वाई बोलेंगे, वाई एक्सिस पर है तो इसको, ये इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ओके। तो ये मीन पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट दोस्तों, इसके लिए इक्वेशन हमें निकालना है, ओके। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे ये ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये एक ट्रायंगल की ये क्या हुई दोस्तों, ये रेडियस हुई, ये भी रेडियस है, तो इसको हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, ये रेडियस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है, सो रेडियस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड आर, या फिर ए भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल देखिए थीटा है, तो ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में यहाँ पे वापस ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये मैंने मेन पोजीशन से ये लाइन ड्रॉ की, ये डिस्टेंस है यहाँ पे वाई, जिसके लिए हमें इक्वेशन लिखना है, ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, और ये जो रॉड है जो जिसको हमने एम्पलीट्यूड एज्यूम किया है या फिर रेडियस एज्यूम किया है, इसको मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये एंगल क्या हुआ दोस्तों, ये एंगल हुआ थीटा, विच इज़ इक्वल टू ओमेगा टी प्लस वाई, ओके। तो दोस्तों यहाँ से अगर वाई के लिए इक्वेशन निकालना है मुझे, तो क्या करना होगा, अपोजिट साइड पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो साइन थीटा का यूज़ करना होगा, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट साइड वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ए, ठीक है। यहाँ से दोस्तों वाई के लिए क्या इक्वेशन निकलेगा, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए इंटू साइन थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी प्लस वाई,
ओके तो ये जो टिप है इसका टिप का दोस्तों, ये टिप का जो प्रोजेक्शन है इसका मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालने का इक्वेशन हमें मिल चुका है, जो कि एग्जैक्टली दिख रहा है दोस्तों SHM के डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये प्रूव हो जाता है कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है ये SHM कर रहा है। ओके, फिर से एक बार देखिए हमने क्या पढ़ा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक मास है एम, ये मास अगर आप यहाँ पे जा करके छोड़ दोगे तो ये पार्टिकल क्या करेगा दोस्तों, ये SHM करेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने का इक्वेशन, ये एक्स बोलते हैं ना इसको, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो SHM में दोस्तों यहाँ पे ओमेगा ये फाई क्या होता है, ये इमेजिन नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों इस SHM को हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉड है दोस्तों, इस रॉड का जो टिप है, इस टिप का जो प्रोजेक्शन है इस लाइट सोर्स के वजह से मिलने वाला, ये टिप भी दोस्तों कुछ ऐसे इस मास की तरह ही मोशन कर रहा है। और अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ये जो मोशन है ये SHM है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने पर दोस्तों फाई क्या होता है, देखिए ये इनिशियली जो रॉड है उसका यहाँ से एंगल, तो इसको हम यहाँ पे इनिशियल फेज बोलते थे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिखता नहीं था, यहाँ पे दिख रहा है आपको फाई क्या होता है, ओमेगा टी यहाँ पे दिख नहीं रहा था दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है आपको ओमेगा टी क्या है। तो ये कंपैरिजन से आप ये टर्म्स जो हैं इनका आप दोस्तों अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको मिल चुका है तो इसके वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, वेलोसिटी का इक्वेशन इसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू आपको टी। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन मिल जाएगा जो कि SHM के वेलोसिटी का इक्वेशन है, और इसको डिफरेंशिएट करने पर दोस्तों आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल जाएगा जो कि होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जो कि होगा SHM के एक्सेलरेशन का इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये प्रूव हो जाता है कि ये जो प्रोजेक्शन है ये प्रोजेक्शन SHM कर रहा है, क्योंकि इसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन SHM का इक्वेशन है, इसके वेलोसिटी का इक्वेशन SHM के वेलोसिटी का इक्वेशन है, और इसके एक्सेलरेशन का इक्वेशन SHM के एक्सेलरेशन के इक्वेशन के बराबर है। ठीक है, तो रेफरेंस सर्कल मेथड इसीलिए थी ताकि आप SHM को दोस्तों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर करके ये जो टर्म्स हैं फाई ओमेगा टी इसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये रेफरेंस सर्कल मेथड खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम फेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फेज क्या होता है इसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।